वरुण पांडे नाम है हमारा। आप देख रहे हैं जॉन बेरी का संकलन खनन। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे, जैसा कि आपको पिछले कई एपिसोड्स में मैं बता रहा हूँ कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या होता है और उसमें क्या क्या मशीन्स लगती हैं। तो आज हम इसके बाद जो भी एपिसोड्स आएंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट एक एक करके सारी मशीन्स के बारे में जानने की कि कौन कौन सी मशीन का क्या क्या फंक्शन होता है और उसका क्या क्या उपयोग है, ताकि आप कंप्लीट क्रशर प्लांट के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी प्राप्त हो सके। आज हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे डंप हॉपर की, और इसके ठीक अगले एपिसोड में हम जो बात करेंगे वो ग्रिजली फीडर की बात करेंगे, उसके बाद फिर जॉ क्रशर की, और वैसे ही हम लोग आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं डंप हॉपर क्या होता है, किस लिए प्रयोग में लाया जाता है, कितने तरह के डंप हॉपर होते हैं और कैसा डंप हॉपर अच्छा होता है क्रशर प्लांट के लिए या फिर और भी अन्य उपयोगों के लिए, ये कहाँ कहाँ उपयोग में होता है, कैसे बनाते हैं इसे और इसका क्या क्या यूज हो सकता है और इसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट क्या क्या है, कौन कौन से टाइप के डंप हॉपर्स के बारे में, तो इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी आज डंप हॉपर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं डंप हॉपर किसे कहते हैं। डंप हॉपर आप बहुत बार आपने देखा होगा, डंप हॉपर जहाँ पे ट्रक खाली हो रहा है या फिर जहां से यूज हो रहा है आगे मटेरियल जा रहा है, या फिर आपने आरएमसी प्लांट में देखा होगा लोडर के थ्रू फीड हो रहा है, एक छोटा सा बिन होता है जिससे मिक्स होकर आगे मटेरियल जा रहा है। अगर डंप हॉपर की हम लोग एग्जैक्ट डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो एक हॉपर या फिर एक लोहे का या सिविल का या कोई भी स्टॉक जो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि उसकी फीडिंग जो आ रही है उसको कंट्रोल करके एक पूर्व निर्धारित वेग में या फिर आकार में या फिर स्पीड में आगे जो फ्लो को पहुंचा रहा है, जो कि माइंस से मान लीजिए या फिर आप अगर एग्जांपल की हम बात करें तो पानी की टंकी अगर आप देख रहे हैं तो पानी की टंकी भी एक डंप हॉपर है। उसको अगर हम लोग निर्धारित वेग की हम बात करें तो निर्धारित वेग हमने उसमें क्या सेट कर रखा है, एक नल जिसका अगर हम लोग होल की बात करें, अगर मान लीजिए उसमें होल है सपोज 15 mm का होल है मान लीजिए, तो 15 mm हो गया उसका डिस्चार्ज रेट जो हमने पूर्व निर्धारित कर रखा है कि हाँ इसी वेग से ये बाहर निकलेगा, या फिर 1 inch का पाइप लगा रखा है उसमें तो 1 inch के वेग से वो बाहर निकल रहा है। इस केस में क्या हुआ कि एक हॉपर के जगह हम लोग पानी की टंकी को हॉपर बोल रहे हैं और यहाँ पे हम लोग जो डिस्चार्ज है उसको हम लोग नल बोल रहे हैं। सेम वैसे ही हम लोग यहाँ पे जैसे क्रशर में अगर आ जाता है तो डंप हॉपर क्या करता है, माइंस से जो कंटिन्यू पत्थर आता रहता है उसको स्टोर करता है प्लस एक वेग में, और उसको संकुचित करके अगर जैसे मान लीजिए ट्रक का जैसे पूरा फीड है और एक बार में हम लोग मशीन पे डाल देंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा मशीन, तो उसको संकुचित करके उसको प्रॉपर एक फ्लो बना के ग्रिजली फीडर और जॉ क्रशर तक पहुंचाता है। तो ये एग्जैक्ट हो गया डंप हॉपर का डेफिनेशन बोल सकते हैं, या फिर डंप हॉपर क्या होता है ये आप इस चीज से समझ सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग सेट कर सकते हैं। अगर आपने फनल देखा होगा जिसको हम लोग कीप वगैरह बोलते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो उसमें भी अगर आप लोग पानी डाल रहे हैं ऊपर से तो वो सेम वैसे ही काम कर रहा है, ऊपर वो इनपुट ले रहा है, नीचे एक निर्धारित वेग में उसको आउटपुट दे रहा है, जैसे बॉटल में उसको अगर फीड करना है या कहीं जाना है तो उसको कंटिन्यू फीड करना है। तो ये उसका एग्जैक्ट वर्क रहता है डंप हॉपर का, कि कोई भी मटेरियल को एग्जैक्ट फीड में कन्वर्ट करके दे। अब आ जाते हैं डंप हॉपर या फिर सर्ज बीन कितने प्रकार के हो सकते हैं, इनका कोई एग्जैक्ट मापदंड या फिर कोई ऐसा लिस्ट आउट नहीं होता है। बहुत तरह के डंप हॉपर होते हैं अलग अलग यूजर्स के लिए। सिविल का भी बनता है, अगर आप चाहे तो रोड़ी गिट्टी या ईटो का बना सकते हैं, पत्थर का बना सकते हैं, ठीक है, मिट्टी को भी स्लोप दे के लोग हॉपर बना लेते हैं, ठीक है। तो हॉपर या डंप हॉपर जो है ये बहुत सारे अलग अलग यूज में लिया जाता है, स्क्रीनिंग करने के लिए यूज में लिया जाता है बहुत जगह पे, अगर आपका मटेरियल आ रहा है तो आपको स्क्रीनिंग करने के लिए हॉपर, स्क्रीन हॉपर उसको बोलते हैं, वो वहां पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको सिविल का भी बन सकता है, ये आपको लोहे का भी बन सकता है, आयरन का, ये आपको अलग अलग उपयोग में लेने के लिए। डंप हॉपर बहुत तरीके के होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसका कोई एग्जैक्ट मापदंड नहीं है, आपका जो यूज है उस पे डिसाइड करता है कि आपको किस तरह का डंप हॉपर बनाना है या फिर किस तरह का डंप हॉपर आपको यूज करना है। मोस्टली क्रशर में जो है वो इस तरह का डंप हॉपर यूज होता है जो लोहे का बना होता है,
बट सिविल का भी डंप हॉपर यूज किया जाता है बहुत जगहों पे, जो इस तरह का दिखता है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बट जो बड़ी कंपनीज हैं, जो भी बड़ी कंपनीज हैं, वो रिकमेंड नहीं करती हैं सिविल का डंप हॉपर बनाना। मैं भी रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप सिविल का डंप हॉपर बनाइए, उसके काफी सारे प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो बेस्ट ये है कि आप लोहे का हॉपर बनाए और उसके आगे एक ग्रिजली फीडर भी लगाए, उसके आगे आप जो क्रशर लगाए, इस तरह का कुछ आप एक सेटअप बनाने की कोशिश करें अपने क्रशर प्लांट के लिए। तो ये आपको है। इसके बाद अगर आपको अगर सेकेंडरी में जरूरत है तो अगर आगे आपको वहां भी सिविल का अगर हॉपर नहीं बनाना चाहते हैं आप, तो आप वहां पे लोहे का ही हॉपर, आप उसको सर्च भी उसको बोलते हैं, तो आप उसको वहां पे लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका हॉपर का सेगमेंट। अब आगे हम देखते हैं कि सिविल हॉपर और लोहे के हॉपर में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या प्लस पॉइंट और क्या क्या माइनस पॉइंट आते हैं। नंबर एक पे हम लोग बात करेंगे, सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है कि सिविल के हॉपर को आप रियूज या फिर मोबाइल या फिर उसको आप कहीं और लेके नहीं जा सकते हैं, उसको रियूज नहीं कर सकते हैं या फिर उसको रीसेल करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो एक जगह फिक्स होता है। लोहे के हॉपर को आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, रियूज कर सकते हैं, रीसेल कर सकते हैं स्क्रैप में, जो एक वैल्यू आपको फिर से उसकी मिल जाती है। तो एक आपको ये प्लस पॉइंट हो गया कि आप उसको रियूज कर सकते हैं। दूसरा आपको सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है इंटरलॉकिंग का, इंटरलॉकिंग यानी पत्थर को आपस में फंसने का। तो ये प्रॉब्लम आपको लोहे के हॉपर में कम देखने को मिलती है, तुलना में अगर हम लोग सिविल की बात करें, सिविल के हॉपर में काफी ये प्रॉब्लम रहती है लोहे के पत्थर के आपस में फंसने का, और या फिर बहुत ज्यादा अगर आप स्लोप बढ़ा दिया जाता है कभी कभी तो अचानक से पत्थर बहुत स्पीड में आने लगता है मशीनरी पर, तो वो भी एक माइनस पॉइंट है जो कि आपको लोहे के हॉपर में आपको डिजाइन के थ्रू आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है लोहे के हॉपर में। लोहे के हॉपर में एक और ये प्लस पॉइंट होता है कि इसमें आप कंट्रोल फीड कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपने का ट्रक खाली हुआ है तो आप इसको एक कंट्रोल में फीड कर सकते हैं। सिविल का हॉपर जो होता है वो टेपर बनाया जाता है ताकि स्लोप के थ्रू वो स्पीड में जाए मशीनरी की तरफ, तो वो कंट्रोल करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं पर थोड़ी दिक्कत होती है। लोहे के हॉपर में ये आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू ग्रिजली फीडर एंड थ्रू डिजाइन जो है हॉपर का, उससे भी हम लोग कंट्रोल करके उसको बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सिविल का हॉपर का जो इन्वेस्टमेंट या फिर मेकिंग कॉस्ट है वो ज्यादा होता है लोहे के हॉपर से। तो आपका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लग रहा है सिविल के हॉपर में और आपको वो रिसेल भी नहीं हो रहा है, ठीक है, और उसके यूजेस भी अलग अलग हैं जो आपको बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं, कोई भी नहीं करता है जनरली। आज की डेट में जो नए क्रशर लग रहे हैं वो अधिकतर जो है वो लोहे के हॉपर के साथ ही लग रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी कम होती है और यूजर्स भी अच्छे रहते हैं उसके। तो एक वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सिविल का हॉपर बनाने में काफी ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। अब आ जाते हैं थोड़े टिप्स और थोड़े आइडियाज के ऊपर। अगर आप कोई भी डंप हॉपर बना रहे हैं तो नंबर एक आप सबसे जरूरी जो काम है वो ये है कि आप उसके अंदर उसको एक हार्डॉक्स प्लेट आते हैं उनको आप जरूर लगाएं, ताकि आप जब पत्थर उसमें फीड करें तो आपका जो हॉपर का बॉडी है जो एमएस का बना हुआ है माइल्ड स्टील का वो घिसे मत। तो आप वहां पे जरूर एक हार्डॉक्स का या फिर हार्ड स्टील आता है अलग से प्लेट आता है, अलग अलग ब्रांड्स का आता है, तो वो जरूर लगाएं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हार्ड फेसिंग आप करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वेल्डिंग रॉड आती है हार्ड फेसिंग करने की अलग से, तो आप उसको जरूर हार्ड फेसिंग करवाएं जहां जहां पत्थर आपका टच हो रहा है। और उसके अलावा अगर आपको मैं बोलूं तो सबसे बढ़िया हो कि आप जब डिजाइन करवाएं एक डंप हॉपर तो उसको रॉक बॉक्स डिजाइन के हिसाब से डिजाइन करें, जैसा यहाँ पे दिख रहा होगा। इसका सबसे अच्छा उपयोग ये होता है कि एक बार फीड करने के बाद अगली बार जब भी आप इसको कंटिन्यू फीड करते हैं तो जो पत्थर होता है वो पत्थर के ऊपर ही मूव करता है, जिससे कि आपका हॉपर घिसने या खराब होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो आप जरूर रॉक बॉक्स डिजाइन में ही अपना डंप हॉपर डिजाइन करें या सर्च बिन डिजाइन करें, जिससे कि आपका वियर एंड टियर कम होगा और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट और लेस मेंटेनेंस के साथ अपना क्रशर प्लांट आप चला सकते हैं। नंबर तीन पे अगर छोटा सा एक और टिप्स मैं दे सकता हूं कि आप अंदर जो मशीन जो हॉपर बनवा रहे हैं उसमें छोटे छोटे लोहे के गसट्स लगवाएं, गसट बोलते हैं या फिर आप सपोर्ट सिस्टम बोल सकते हैं या फिर जो भी है,
तो इस तरह का दिखता है जनरली। तो इस तरह का आप छोटे छोटे उसमें सपोर्ट सिस्टम लगवाएं ताकि आपके हॉपर की बॉडी जो है वो फैले मत या खराब मत हो। तो इस तरह का आप अंदर के साइड में एक सपोर्ट सिस्टम ये छोटे छोटे लोहे के प्लेट्स कटवा के जरूर वेल्डिंग करवाएं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ मिले हॉपर के अंदर। हॉपर के बारे में अगर आपको और भी कुछ सवाल पूछना हो या फिर और भी कोई जानकारी चाहिए या फिर आप किस तरह का हॉपर बनवाएं जो आपके क्रशर प्लांट में जो आपके लिए अच्छा हो, स्पेशली अगर आपको कोई पर्सनली सवाल आपसे पूछना हो तो प्लीज आप मुझे फोन करें, व्हाट्सएप करें और मैसेज करें। मैं जरूर आपके सवालों का अच्छे से अच्छा जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप मैसेज लिखने में या फिर व्हाट्सएप करने में असमर्थ है तो सबसे अच्छी अगर बात है तो आप व्हाट्सएप में आप मैसेज रिकॉर्ड करके भेजिए, वो बहुत इजी रहता है मुझे रिप्लाई करने के लिए भी और आपको भी इजी रहेगा सवाल पूछने के लिए। आप व्हाट्सएप में मैसेज रिकॉर्ड करके आप मुझे सेंड करिए, मैं आपको तुरंत उसका जवाब आपको रिकॉर्ड के थ्रू दे दूंगा। तो वो आपका प्रॉब्लम जो भी कुछ है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आपस में हम लोग डिस्कस करके। तो उम्मीद करता हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। मेरा नाम है वरुण पांडे, आप देख रहे हैं एक्जॉन बेरी का संकलन खनन। नमस्कार, जय हिंद।